हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोनिका अग्रवाल फ्रॉम डिवाइन सेंटर पार्ट टू स्पिरिचुअलिटी। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक और टेक्निक बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही पावरफुल है और अजमाई हुई है। मैं जितनी भी टेक्निक्स आपको बता रही हूँ वो सारे के सारे इम्प्लीमेंटेड हैं, उनके रिजल्ट्स मैंने देखे हुए हैं, इसके बाद ही मैं आपको वो बताती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वेगली आपको बता रही हूँ, तो ये आप अगर अजमाएंगे तो आपको अपनी लाइफ में बहुत बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं करा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे बेनिफिट हो सके, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे मैं उतने ज़्यादा आप लोगों के लिए टॉपिक्स लाऊंगी। तीसरा, वीडियो को एंड तक देखिए, आगे बढ़ाकर मत देखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ सेंटेंस आपका मिस हो जाता है, फिर आप मुझे फ़ोन करते हैं कि मैम ये आप दोबारा रिपीट कर दीजिए। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि आप मुझे पर्सनल कॉल्स कर रहे हैं तो मैं पूरा टेक्निक आपको रिपीट करूं या आप उसके क्रॉस क्वेश्चंस करें। जितना इन्फॉर्मेशन विच से रिलेटेड होता है वो मैं पूरा का पूरा आपको इसमें दे देती हूं, तो इसलिए आप फ्री कॉल्स या फ्री बेनिफिट्स जो आपने उठाने हैं वो आप वीडियो के थ्रू उठाएंगे। अगर आप मुझसे अलग से बात करेंगे तो उसके चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अ फास्ट मैनिफेस्टेशन विद द यूज ऑफ वन ग्लास वाटर डेली। यस, वाटर हीलिंग के ऊपर मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। टू कप मैनिफेस्टेशन पे भी बनाया है, उसका लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लेकिन जो ये टेक्निक है ये थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ माइंड इज वेरी मच रिक्वायर्ड। से फॉर एन एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, बट अगेन मेरे पास काफी लोग हैं जो कंसल्टेशन ले रहे हैं, अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर वो डेप्थ में है और वो सीधा 50 लाख 50,000 रुपए महीने दिन का इस तरह से अगर आप डाल दोगे तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब हाल ही में मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि जो यूनिवर्स है वो या जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लिमिटेशंस नहीं समझता है, तो हम कितना भी अमाउंट मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड आपका लिमिटेशन समझता है तभी आपके लाइफ में वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये चीजें स्टोर्ड हैं दैट You are not able to earn the more money. That is the reason that you are facing the money problems. Otherwise, तो कोई problem ही नहीं थी, ये manifestation करने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए आप small amount से शुरू करें, एक ऐसा amount से शुरू करें जो आपका subconscious mind accept करे, जो आपका सबसे पहले subconscious mind को थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, जो आपका conscious mind accept करे, क्योंकि जब तक वो conscious mind accept नहीं करेगा वो subconscious mind तक वो energies जाने नहीं देगा। तो जो आप consciously accept कर सकते हैं, for example 10,000 rupees अ डे, और मे बी 5,000 rupees अ डे, मे बी 50,000 rupees इन अ मंथ इफ यू आर फेसिंग अ डेप्थ इश्यूज। इफ यू आर अर्निंग 1 lakh rupees, यू कैन यू नो सेट एनीथिंग 1.5 to 2 lakhs rupees इन अ मंथ, समथिंग लाइक दैट। तो वो आप सेट करेंगे एक विश में। फॉर एग्जाम्पल, विश आप जो लिखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में लिखेंगे, रेड पेन से लिखेंगे, उस पर आप एक छोटा सा ओम बना सकते हैं एंड उस पर लिख सकते हैं आई मोनिका अग्रवाल इज मैनिफेस्टिंग दिस मच ऑफ अमाउंट मंथली बाय माई वर्क। इस तरह से आपने एक विश लिखा, उस विश को आप ओपन करके, उस जहां पे आपने विश लिखा उसको आप ओपन करके रख देंगे एक गिलास कांच के गिलास में। ध्यान रखिएगा कांच का गिलास, स्टील का सेरेमिक का नहीं होना चाहिए, कांच का होना चाहिए, क्योंकि कांच ट्रांसपेरेंट होता है और एनर्जी को ट्रांसपेरेंसी मतलब वो माइंड के साथ वर्क करती है। कांच के गिलास में आप पानी लेंगे, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर लेंगे, आप उस विश के ऊपर रखेंगे। अब अगर आप रेकी हीलर हैं तो आप उसमें सिंबल्स भी बना सकते हैं, अगर आप कोई और हीलिंग टेक्निक जानते हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो आपने सिर्फ मैनिफेस्टेशन करना है। आपने विश के ऊपर, जैसे आपने नीचे विश रखा उसके ऊपर आपने वो ड्रिंकिंग वाटर का गिलास रखा, उसके बाद उस गिलास को दोनों साइड से ऐसे होल्ड करेंगे एंड आईज क्लोज करके 2 से 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स आप विजुलाइज करेंगे कि वो विश आपका पूरा हो रहा है और उतना अमाउंट ऑफ मनी आपके पास है। और वो विजुलाइजेशन और वो फीलिंग ऐसा होना चाहिए कि आपकी पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशन होना चाहिए, अपने बॉडी के अंदर तक आपको वो चीज़ फील होनी चाहिए, कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद आप अगेन 3-4 मिनट्स विजुलाइज करेंगे कि वो विश पूरा हो गया, अगर आपके पास उतना मनी आ गया तो आप क्या करेंगे उस मनी का, हैप्पी फील करें। जितना भी फीलिंग है वो जस्ट फॉर द सेक यू वांट टू मैनिफेस्ट नहीं होना चाहिए, वो अंदर तक आपको फील होना चाहिए, आपके पूरे बॉडी में वो सिहरन और वो वाइब्रेशंस होने चाहिए कि यस दिस इज विद मी। उसके बाद जब आपको वो हो जाएगा आप वो वाटर उठाएंगे और वो पी लेंगे और विश को आप साइड में अपने पास संभाल के रख देंगे। नेक्स्ट डे आप सेम चीज करेंगे। ये अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद या फिर सोने से थोड़ी देर पहले मतलब 15 मिनट्स पहले करते हैं तो इसके इफेक्ट लाख गुना बढ़ जाते हैं। ये टाइमिंग्स बेस्ट होते हैं, बीच में आप करना चाहते हैं आप कर लीजिए, बट द बेस्ट टाइमिंग्स आर दिस कि
मॉर्निंग में उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर और सोने से आधे घंटे से पहले पहले या जस्ट आप स्लीप जब आप सोने जा रहे हैं तब उस समय आप ये कर सकते हैं। ये हो गया मनी का विश। इसी तरह से इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ कॉल फ्रॉम समवन, आप चाहते हैं कि आपका जो एक्स लवर है वो आपको कॉल नहीं कर रहा या आपका आपका जो पार्टनर है वो आपको कॉल नहीं कर रहा या वो आपको लव नहीं कर रहा, आप लिव विशेस भी बना सकते हैं। इसी तरह से सिंगल सेंटेंस में दैट वी आर जनरेटिंग अनकंडीशनल लव इन अवर रिलेशनशिप, आई एम रिसीविंग अ कॉल फ्रॉम सो एंड सो पर्सन, आई एम गेटिंग एन अनकंडीशनल लव फ्रॉम सो एंड सो पर्सन, इस तरह से आप करिए। बताना मत भूलिएगा आपको इसका कितना बेनिफिट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो चार्जेस एप्लीकेबल हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8826826749 पे। एंड टाइमिंग्स जो है वो 11 to 6 हैं। उसके आगे पीछे अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ मैसेज भेज दीजिए, जब मेरे पास टाइम होगा या जैसे ही मैं देखूंगी मैं आपको रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच।